नमस्कार स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में झारखंड सरकार के 03 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में धुरवा स्थित प्रोजेक्ट भवन में राज्य स्तरीय कार्यक्रम एवं जिले के सिदोकान्हू सभागार में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत उपायुक्त श्री यादव ने सांसद विजय कुमार हंसदा को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया एवं संबंधित पदाधिकारियों ने भी मुख्य अतिथि गणों को पुष्पगुच्छ देकर उनका कार्यक्रम में स्वागत किया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि उपायुक्त एवं सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर 38 मिनी ट्रैक्टर का वितरण किया गया। इसके साथ ही कई लाभुकों को परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। इस मौके पर काफी संख्या में लाभुक उपस्थित थे। इस संबंध में सांसद विजय कुमार हंसदा ने क्या कहा, क्या रहा पूरा कार्यक्रम, चलिए जानते हैं और सुनते हैं रिपोर्ट। प्रवीण कुमार, स्टार अभी तक, साहिबगंज। सरकार 3 साल बड़े सफलता से पूर्ण की है। 2 साल कोरोना काल, उसके बाद 1 साल में ऐतिहासिक बहुत सारे फैसले माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हमारी गठबंधन की सरकार ने ली और उसका जनमानस को लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। जिला के प्रशासन के सभी तमाम पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस तरह से कार्यक्रम सरकार आपके द्वार का 2 फेज चला और उसमें जिस तरह से जनता के बीच जाकर के लाभुकों का चयन किया गया, वहां के समस्याओं को लिया गया और उस पर आगे कार्रवाई की गई। अभी कह सकते हैं कि आज यहां से करोड़ों संपत्तियां वितरण की गई हैं और प्रत्येक इसी तरह से प्रत्येक जिला में पूरे राज्य में परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। माननीय हेमंत सोरेन जी को 3 साल और हमारी सरकार को बधाई देना चाहेंगे और जिस तरह से लोग लाभ लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि सरकार की योजनाओं के साथ जुड़ करके रोजगार और आगे बढ़ने का कार्य ये राज्य कर रही है। इधर विपक्षी भाजपा के राजमहल विधायक अनंत कुमार ओझा ने सरकार के 3 साल के कार्यकाल को पूरी तरह विफल बताते हुए कहा कि ना ही सरकार ने रोजगार दिया और ना ही कोई विकास कर पाए है। हेमंत सोरेन सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। आइए सुनते हैं उन्हीं से उन्होंने और क्या कहा। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार आज 3 वर्ष पूरा होने का जश्न मना रही है और ऐसे में प्रदेश के नौजवान आज पूछ रहे हैं कि 3 वर्षों में आपने 15 लाख का रोजगार का क्या हुआ। ये नौजवान पूछ रहे हैं कि आपने 5 हजार और 7 हजार बेरोजगारी भत्ता देने का कहा था, उसका क्या हुआ। आज राज्य में जहां माननीय मुख्यमंत्री जी का खुद का जिला है, उस जिले में जो पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार में 1500 से 2000 तक अधिकतम ट्रैक्टर बालू मिलता था, आज बालू 9000 से लेकर के 12000 रुपए में बिक रहा है। खनिज संपदा का लूट की कहानी, किससे कहानी अखबारों की सुर्खियों में है। किसान भाइयों के हित में जो पूर्ववर्ती रघुवर दास जी की सरकार ने लाई थी मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के माध्यम से 5000 से लेकर के और 25000 रुपया तक किसान भाइयों के खाते में जाता था। आज वो किसान पूछ रहे हैं कि मेरे पैसे का क्या हुआ, आपने कहा था कि 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपया तक हम कृषि ऋण माफ करेंगे। और ऐसे ही हर मोर्चे पर विकास कार्य ठप पड़े हैं। सड़कों का जो जाल पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार में फैला हुआ था, आज वो लगभग गति बंद गया, रुक गया है। तो इस वर्तमान सरकार ने हर मोर्चे पर सबके साथ भ्रम डाल करके और केवल भावनात्मक मुद्दों पर राज्य की जनता को भ्रमित करने का काम किया। इसके अलावा इस सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं है।